साथियों, मशहूर अभिनेत्री गीता उनियाल अब हमारे बीच में नहीं रही। उत्तराखंड के लिए और उत्तराखंड फिल्म जगत के लिए ये बहुत ही दुखद खबर इस वक्त सामने आ रही है कि लंबे समय से गीता उनियाल उत्तराखंड की संस्कृति से जुड़ी थी। उत्तराखंड की जो फिल्में थी उनमें उन्होंने अभिनय किया था, जो उत्तराखंड के एल्बम है उनमें उन्होंने अभिनय किया था। लेकिन इस घटना ने पूरे उत्तराखंड को झकझोर कर दिया है कि गीता उनियाल अब हमारे बीच में नहीं है। आपको बता दें कि गीता उनियाल 2020 से कैंसर की बीमारी से जूझ रही थी और बीच में वो ठीक भी हुई थी। उसके बाद उन्होंने फिल्मों में काम भी किया था, लेकिन फिर उनकी तबीयत लगातार बिगड़ती गई और आज यानी कि मंगलवार को गीता ने हम सबसे अलविदा कह दिया। आपको बता दें कि गीता उनियाल 2004 से उत्तराखंड फिल्म जगत से जुड़ी हैं और कई सुपरहिट उन्होंने फिल्में उत्तराखंड को दी हैं। भूली है भूली के अचाए में बात करूं और उनकी अभी हाल ही जो फिल्म आई थी खैरी का दिन, उनके अभिनय ने उन फिल्मों पर 4 चांद लगाया और कई सुपरहिट जो गढ़वाली गाने हैं उनमें उन्होंने अभिनय किया है। और अपने अभिनय के चलते गीता उनियाल ने पूरे उत्तराखंड के लोगों के दिलों में जगह बनाई थी और आज उनके इस निधन पर पूरे उत्तराखंड में शोक की लहर है। बक्सर की ओर से भी गीता उनियाल को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित। नमस्कार, जय उत्तराखंड। कैसे हैं आप सब? आज काफ़ी टाइम बाद एक वीडियो बनाने की सोच रही हूँ और ये वीडियो मैं इसलिए बना रही हूँ क्योंकि काफ़ी लोग मुझसे पूछते हैं कि मैं आजकल कहाँ हूँ और इतना ज़्यादा एक्टिव नहीं हूँ, तो मैं इसलिए ये वीडियो बना रही हूँ कि आप सबको बता पाऊँ कि मैं कहाँ हूँ। और हिंदी में बना रही हूँ ये वीडियो ताकि जो मेरे फेसबुक पेज से जुड़े हुए अदर कंट्रीज़ के लोग हैं और जो गढ़वाली नहीं हैं, अदर लैंग्वेज के हैं, उन तक भी ये मैसेज पहुंच पाए, तो इसलिए मैं ये वीडियो हिंदी में बना रही हूँ और अपने पेज के माध्यम से मैं इसे अपलोड करूँगी। और काफ़ी टाइम हो गया कि मैं एक्टिव नहीं हूँ, इसलिए क्योंकि मोस्टली सभी जानते हैं जितने भी लोग मेरे साथ जुड़े हैं कि मेरी बीच में तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई थी, जब कि मैं बीच में सबसे पहले 2020 के बाद 2020 के लगभग एंड में मुझे दिक्कत हो गई थी। तो उसके बाद फिर मैंने अपना ट्रीटमेंट करवाया था जैसे कि सभी जानते हैं, और उसके बाद ट्रीटमेंट कराने के बाद मैं एक बार फिर से खड़ी हो गई थी अपने पैरों पे। दोबारा मैंने अपना काम शुरू कर लिया था और अपनी फिल्म जो मेरी रिलीज़ हुई थी उन फिल्मों पर मतलब काफ़ी जोर दिया, उनको प्रमोट किया और काफ़ी भाग दौड़ हो गई थी मेरी, ज़्यादा मैं रेस्ट नहीं कर पाई थी और मुझे लगा कि मैं पूरी तरह से स्वस्थ हो चुकी हूँ। तो मैं पूरी तरह से अपने काम के प्रति मतलब समर्पित हो गई थी फिर से, और मुझे कहीं से भी कोई सिम्टम्स नज़र नहीं आ रहे थे कि मेरी तबीयत ख़राब है या फिर मैं अभी पूरी तरह से स्वस्थ नहीं हूँ। और जब हम तबीयत हमारी ख़राब होती है तो हमें लगता है कि हमें रेस्ट करना चाहिए, लेकिन जब हम लोग थोड़े से ठीक हो जाते हैं तो हमें, जो इंसान कभी रेस्ट नहीं करता है, कम रेस्ट करता है, भाग दौड़ करता है, अपने काम के प्रति जो है वो जागरूक रहता है, अपने काम के लिए समर्पित रहता है, तो वो जो है कि वो इंसान जो होता है रेस्ट भी नहीं करता है, उसे लगता है कि मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ और अपने काम के लिए फिर से मैं तैयार हूँ। तो मैंने भी कुछ इसी तरह से अपने काम के लिए दिखाया रुझान कि मैं ठीक हूँ और अपने काम के लिए मैं फिर से आ गई थी। और आप सब ने मुझे पहले भी बहुत प्यार देते थे, उस दौरान भी आपने मुझे बहुत प्यार दिया, उसके बाद भी बहुत प्यार दिया। तो बात है ये मेरी 2022 की, जब मुझे लगा था मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ और मैं अपनी फिल्मों के प्रमोशन में लग गई थी। फिल्में मेरी काफ़ी रिलीज़ हुई उस दौरान, जैसे कि आप लोग जानते हैं खैरी का दिन मूवी मेरी रिलीज़ हुई थी, मेरू वो मूवी रिलीज़ हुई और उससे पहले मेरी कन्यादान रिलीज़ हुई थी, और खैरी का दिन, मेरू वो, और उसके बाद फिर मैंने दिसंबर में जय माँ धारी देवी मूवी जो है वो शूट करने में चली गई थी। तो मुझे लगा कि मैं स्वस्थ हूँ और मैं मूवी शूटिंग के लिए मैं चली गई थी धारी देवी मूवी। तो जब मैंने धारी देवी मूवी की शूटिंग करी थी तो उस दौरान भी मेरी बैक में पेन हो रहा था, तो मुझे लगा जैसे कि नॉर्मली सभी
लेडीज़ को होता ही है, बैक पेन होता है, लेग में पेन होता है, तो मुझे लगा कि शायद मेरी भी बैक में लेग में मतलब पेन हो रहा है। तो मैंने इतना गौर नहीं करा, शूट के दौरान भी मैं दवाइयाँ वगैरह ले लेती थी पेन की, और मैंने सोचा था शूट के आने के बाद मैं डॉक्टर्स को दिखाऊंगी। और फिर उसके बाद मैंने शूट कंप्लीट किया अपना जैद मादारी देवी, और मैं शूट से जब वापस आई तो उसके बाद मैंने डॉक्टर्स को दिखाया, तो काफ़ी मुझे लगा कि शायद, मुझे लगा पहले कि मेरी नस चढ़ गई है, क्योंकि मेरे लेग में बहुत पेन हो रहा था, मैं चलने में थोड़ा दिक्कत हो रही थी, तो मुझे लगा नस चढ़ गई है। पहले मैंने नस वाले डॉक्टर को भी दिखाया, फिर उसके बाद मैंने होम्योपैथिक डॉक्टर को दिखाया, फिर मैंने आयुर्वेदिक डॉक्टर को दिखाया, फिर उसके बाद हमने थेरेपी के लिए हमने ट्राई किया कि हम थेरेपी कराते हैं, क्या पता थेरेपी से ठीक हो जाए। तो हम लोग थेरेपी के लिए डॉक्टर के पास गए थे, तो उन्होंने जब मेरे को टेस्ट कराने के लिए बोला तो MRI और अल्ट्रासाउंड कराने के लिए बोला, तो जब उन्होंने मेरे MRI की रिपोर्ट देखी तो उससे पहले उन्होंने मुझे जब चेक किया तो उन्होंने कहा कि आपके सिम्टम्स तो ऐसे लग नहीं रहे हैं कि आपको नस चढ़ी है या फिर आपके बैक में इस तरह से कुछ मतलब नॉर्मल पेन है, ये कुछ अलग ही पेन हमें लग रहा है, तो आप ऐसा कीजिए कि MRI कराइए और एक अल्ट्रासाउंड कराइए। तो हमने उसी टाइम में एक अल्ट्रासाउंड और एक MRI करवाया। तो MRI कराने के बाद जब डॉक्टर ने रिपोर्ट देखी तो उन्होंने मुझे बोला कि आपके जो बैक में जो पेन हो रहा है उसमें आपकी जो बोन है वो फ्रैक्चर दिखा रहा है, बोन में वो थोड़ा गल सी रही है, इस तरह से बोला उन्होंने। तो हम लोग घबरा गए थे, हमने कहा ऐसा कैसे हो गया, क्योंकि मैं पहले तो नॉर्मली चल पा रही थी, थोड़ा उठ बैठ पा रही थी, लेकिन उस दौरान जो था मैं बिल्कुल ही खड़ी भी नहीं हो पा रही थी, अपनी बॉडी का मैं वेट नहीं ले पा रही थी, मैं पूरी तरह से मतलब गिर जा रही थी और सिर्फ लेट ही पा रही थी, खड़ी और बैठ भी नहीं पा रही थी मैं, इतना ज़्यादा मतलब मेरा बैक का जो पेन था वो इस तरह से हो गया था, क्योंकि जो मेरा कमर और लेग के बीच में जो हड्डी होती है वो ब्रेक हो रही थी, मतलब गल रही थी। उन्होंने कहा इसमें कुछ फ्रैक्चर टाइप का है, शो हो रहा है, तो आप ऐसा कीजिए कि आप अपने जहाँ आपका ट्रीटमेंट चल रहा था पहले आप वहीं दिखाइए। तो फिर हम लोग जौलीग्रांट चले गए थे, वहाँ पे हम गए, फिर वहाँ हमने उन डॉक्टर्स को अपनी रिपोर्ट दिखाई कि मतलब पैसे से दिक्कत हो रही है। तो डॉक्टर ने हमें बोला कि आपको जो है एक पैट सिटी कराना पड़ेगा। तो फिर उन्होंने मेरा पैट सिटी करा, पैट सिटी में भी मतलब इसी तरह से आया कि मेरी जो बोन है वहाँ पे मतलब जो कैंसर के सेल्स हैं वो वहाँ पे डेवलप हो गए थे, और वापस से उस एरिया में, जिस एरिया में फ्रैक्चर बता रहे थे उस एरिया में कैंसर सेल्स जो हैं उन्होंने वापस मतलब वो आ गए थे वहाँ पे। तो उसके बाद फिर हम लोग फिर घबरा गए थे, और फिर डॉक्टर ने बोला कि आपको इसके लिए मतलब रेडिएशंस देने पड़ेंगे उस जगह पे, और तो फिर मुझे एडमिट कर लिया गया था। और जब उन्होंने मुझे एडमिट किया उसके बाद फिर मेरे को रेडिएशन स्टार्ट हुए, और उस दौरान मैं जौलीग्रांट में एडमिट थी, लगभग 7-8 दिन मैं एडमिट थी वहाँ पे, और वहाँ पे मैं पूरी तरह से जो बेड रेस्ट वाले पेशेंट होते हैं मैं उस तरह से मतलब थी एडमिट, जहाँ पे कि मैं उठ बैठ भी नहीं पा रही थी, और मुझे जो है स्ट्रेचर में ही मुझे रेडिएशंस के लिए ले जाया जाता था, और स्ट्रेचर में ही मैं मतलब वापस से मुझे बेड में रखा जाता था, क्योंकि मैं उठ बैठ नहीं पाती थी, और मतलब पूरी तरह से मेरी बॉडी ने जो है वो पूरी तरह से साथ छोड़ दिया था मतलब एक तरह से, और मैं पूरी तरह से डिपेंड हो गई थी बाकी सब पे, क्योंकि मैं उठ बैठ भी नहीं पा रही थी, तो पूरी तरह से मैं डिपेंड हो गई थी। तो उसके बाद मेरा जब रेडिएशंस कंप्लीट हुए, और रेडिएशंस के बाद मुझे थोड़ा सा आराम मिला, पर यह है कि मैं जब रेडिएशंस के बाद जब मेरा डिस्चार्ज हुआ तो मैं घर पे आई, फिर घर पे आने के बाद भी मैं पूरी तरह से बेड रेस्ट पे ही थी। और इस दौरान मुझे जनवरी लगा लो 2023 16 जनवरी से मुझे 6-7 महीने तो हो चुके हैं कि मैं पूरी तरह से मतलब अभी मतलब ठीक नहीं हुई थी, पर यह है कि मैं
मतलब उस रेडिएशन से काफ़ी मतलब इम्प्रूवमेंट हुआ था, लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि कुछ टाइम बाद मेरी जो है डॉक्टर्स ने मुझे बोला कि आपको हम खाने के लिए कोई मतलब दवाई थी, पेल्वोसिल नाम से कोई दवाई थी, आपकी ये दवाई हम स्टार्ट करते हैं। तो फिर मैं वो दवाइयाँ खाने स्टार्ट कर दी थी, वो हर महीने खानी थी मुझे, और उन्होंने कहा था ये आपको आजीवन ये दवाइयाँ खानी है। तो फिर मैंने वो दवाइयाँ स्टार्ट करा ली थी और फिर मैं वो दवाइयाँ खा रही थी। करीब मैंने 2 महीने तक वो दवाई खाई, 2 महीने तक जब मैंने वो दवाई खाई तो उसके बाद मेरे ना गले में, जब मैं पेल्वोसिल नाम की जो दवाई है वो खा रही थी, तो उसके बाद 2 महीने मैंने वो दवाई खाई, और उसके बाद मेरे कुछ टाइम बाद मेरे ना गले में कुछ इन्फेक्शन सा होने लग गया था, जैसे कि खराश सी होने लगी थी गले में। तो मुझे लगा कि ये कुछ स्वेलिंग सी भी मतलब मेरे गले में होने लग गई थी, तो मैंने डॉक्टर्स को भी बताया कि मेरे इस तरह से हो रहा है, स्वेलिंग सा हो रहा है। और फिर वो जो स्वेलिंग है वो धीरे धीरे मतलब उसका इन्फेक्शन जो है वो बढ़ता गया, और मेरे गले से लेके पूरी स्वेलिंग जो है वो गले में स्वेलिंग हो गई, उसके बाद मेरे फेस में पूरी स्वेलिंग है, मेरे हाथ में पूरी स्वेलिंग है अभी मतलब देख सकते हैं आप। और मेरी मतलब जो राइट साइड है, राइट साइड में मतलब हाथ में, गले में, फेस में और गर्दन में मतलब पूरी स्वेलिंग आ गई थी, और मेरे जो लंग्स में भी पानी भर गया था। तो उसके बाद हमने मतलब वो दवाइयाँ मैंने बंद कर दी, उसके बाद मुझे उन दवाइयों से भी शायद मुझे रिएक्शन हो गया था, और फिर हमने वो दवाइयाँ बंद कर दी थी। फिर उसके बाद हमने डॉक्टर्स को दिखाया तो डॉक्टर्स ने बोला कि अल्ट्रास मतलब वो करवाना पड़ेगा, एक्सरे करवाया। फिर एक्सरे में भी आया कि मेरे लंग्स में पानी भरा है और इन्फेक्शन जो है, मेरे जो कैंसर का जो इन्फेक्शन है वो मेरे गले से पूरा मतलब यहाँ पे भी वो फैल गया था। तो उसके बाद मैंने फिर वापस से, हमने जो हमारा पहले कमर का ट्रीटमेंट चला था सेकेंड बारी का, उसके बाद वापस से मेरा जो गले का ट्रीटमेंट है ये स्टार्ट करना पड़ा, और मेरी मतलब पूरी तरह से जो आवाज़ है वो बंद हो गई थी, और मतलब मुझे कुछ भी चीज़ें मैं घुट नहीं पा रही थी, और पानी तक मैं घुट नहीं पा रही थी। इतना ज़्यादा मतलब कंडीशन ख़राब हो गई थी कि मैं पानी भी, मैं मतलब एक घूँट भी अगर मैं पीती थी तो वो भी मतलब वॉमिटिंग के थ्रू बाहर आ जाता था, और मतलब इतना ज़्यादा बंद हो गया था मेरा गला कि मुझे खांसी, बहुत ज़्यादा खांसी खांसी होने लग गई थी। तो जैसा कि मैं बता रही थी कि उसके बाद जो हुआ कि मेरे मतलब गले में पूरा इन्फेक्शन हो गया था, पूरी स्वेलिंग हो गई थी, और मैं घुट नहीं पा रही थी, बोल नहीं पा रही थी, तो घर वाले काफ़ी घबरा गए थे कि मतलब क्या हो गया ऐसा। तो फिर उसके बाद हम लोगों ने फटाफट डिसाइड किया कि हम मतलब दिल्ली जाएंगे, वहाँ पे हम दिखाएंगे। और जैसे कि मैं बता रही थी कि मेरे मतलब उसके बाद गले में पूरा इन्फेक्शन हो गया था और पूरी स्वेलिंग हो गई थी, जैसे कि आपने मेरे फ़ोटोज़ और वीडियोस में, और फ़ोटोज़ मैंने कई अपलोड की थी आपने उस दौरान देखी होंगी कि मेरा मतलब फेस जो है इतना बड़ा हो गया था, और मेरा गला पूरा बंद हो गया था यहाँ से, और यहाँ भी पूरी स्वेलिंग हो गई थी। तो उसके बाद फिर हम लोगों ने, पहले हमने जॉली ग्रांट में दिखाया डॉक्टर्स को, तो वहाँ पे भी उन्होंने हमें यही बोला कि इसका मतलब एक ही इलाज है कि आपको कीमो करनी पड़ेगी। तो मैं काफ़ी घबरा गई थी कि क्योंकि मैंने पहले भी 2020 में कीमो कराई थी, और उस दौरान भी मेरे पूरे हेयर निकल गए थे, तो मैंने उस दौरान भी कीमो कराई थी, तो मुझे फिर वही डर सता रहा था कि मैं फिर से कीमो कराऊंगी तो मेरा फिर से मतलब इतनी मुश्किल से 1.5-2 साल में मेरे बाल वापस से आए हैं, तो मुझे दोबारा से मतलब वही दिक्कत हो जाएगी। तो मैं इस चीज़ के खिलाफ़ थी कि नहीं, मुझे कीमो नहीं कराने हैं, चाहे कुछ भी हो जाए मैं कीमो नहीं कराऊंगी, मैंने ये डिसाइड किया था। और फिर इसलिए मैंने मतलब घर पे बोला कि मुझे कीमो नहीं कराना है, मुझे इसका देखते कि कोई और इलाज होगा तो मैं वो कराऊंगी। तो हम लोग दिल्ली चले गए थे ये पता करने के लिए कि वाकई इसका ट्रीटमेंट जो है वो कीमो ही है या फिर कुछ और है। तो हमने सेकेंड ओपिनियन लेने की भी सोची, तो हम लोग दिल्ली चले गए थे। दिल्ली जाके मैंने पहले हमें मैक्स हॉस्पिटल में दिखाया, वहाँ पे भी हमें एक बहुत अच्छी डॉक्टर मिले थे, तो उन्होंने पूरी मेरी जितनी भी हिस्ट्री थी वो पूरी देखी, उन्होंने मेरी रिपोर्ट्स देखी, और सारा
कुछ देखने के बाद उन्होंने बोला कि हाँ वाकई मतलब जो मेरा जो जिस तरह की मेरी कंडीशन है उस टाइम पे, उसका ट्रीटमेंट जो है वो कीमो ही है, वैसे तो कीमो ही है, लेकिन उन्होंने मुझे टेस्ट करने के लिए बोला था। तो हमें वो टेस्ट करने के बाद उन्होंने कहा था कि अगर आपकी रिपोर्ट जो है वो पॉजिटिव आएगी तो उसका ट्रीटमेंट कीमो ही है, और अगर कि इसका रिपोर्ट में देखेंगे कि क्या आता है, अगर चेंज आता है कुछ तो फिर दवाइयों से हम इसको करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग वापस आ गए थे। फिर हमने दोबारा जो अलीगंज में हमने दिखाया, वहाँ पे दिखाने के बाद हमने क्या करा कि अपने हमने नहीं उस वहाँ से वापस आने के बाद हमने सोचा कि चलो आयुर्वेद को भी अपनाया जाए। तो हम लोग एक किसी ने हमें बताया था कि एक थर्ड आई करके आयुर्वेद का सेंटर है, आप वहाँ पे जाइए, वहाँ पे आपका मतलब ट्रीटमेंट होगा हो जाएगा और आप वहाँ जाइए। तो मैं वहाँ पे भी गई थी और वहाँ पे मैं 5 दिन मैं वहाँ पे रही थी और वहाँ पे 10,000 पर डे का चार्ज था वहाँ पे, और वहाँ पे वो आयुर्वेद के थ्रू मतलब हमें मतलब मुझे ट्रीटमेंट देते थे, योग कराते थे और पूरा मतलब जो भी आयुर्वेद में होता है लेप लगाना और पूरा डाइट वगैरह फॉलो कराते थे, वो सब मैंने किया। 5 दिन मैं कंटिन्यू वहाँ पे रही और उसके बाद फिर तब तक उसी बीच मेरी रिपोर्ट आ गई थी। तो रिपोर्ट आने के बाद मैंने जो रिपोर्ट थी वो मैंने वहीं जहाँ पे मैं अपना ट्रीटमेंट ले रही थी तो वहाँ पे जो एक डॉक्टर थे मैंने उन्हें वो रिपोर्ट दिखाई थी अपनी। तो उन्होंने मेरी रिपोर्ट देख के मुझे जो मेरी फैमिली मेम्बर्स थे उन्होंने ये बात बोली थी कि आप मतलब आपकी जो सिचुएशन है अभी रिपोर्ट में जो आया है उसमें आपका जो पूरा मतलब जो कैंसर के जो वो हैं सेल्स हैं या वो वापस से मेरे इन्फेक्शन जो है वो बढ़ गया है, तो आप ऐसा कीजिए कि आप अपना एलोपैथिक जो आप ट्रीटमेंट करा रहे थे आपको मतलब वहाँ पे भी आप कंटिन्यू करिए, क्योंकि ये कि आयुर्वेद में ये बहुत धीरे धीरे प्रोसेस होगा और अभी आपकी कंडीशन ऐसी है कि मतलब ये बहुत बढ़ चुका है, तो आप बाकी डिसाइड कर लीजिए आपको क्या करना। तो हम लोगों ने वहाँ पे 5 दिन में फिर हमने ये डिसाइड करा कि नहीं अभी हमें एलोपैथिक की तरफ जाएंगे, क्योंकि जो आयुर्वेद में थोड़ा धीरे धीरे प्रोसेस होगा, तब तक की बात जो कि मेरे साथ सिचुएशन हो रही थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ ना जाए। तो सब ने हमने ये डिसाइड करा कि हम कीमोथेरेपी कराएंगे। तो फिर उसके बाद हम लोग हमने रिपोर्ट देख के हम लोग वापस से मतलब कीमोथेरेपी हमने स्टार्ट करा दी थी। जब मेरी कीमोथेरेपी चल रही थी उसी दौरान फिर हम लोगों ने डिसाइड करा कि हम वापस से दिल्ली जाएंगे और वहाँ पे हम किसी बड़े हॉस्पिटल में दिखाएंगे। तो फिर हम लोगों ने बीएल कपूर मैक्स एक हॉस्पिटल है बहुत बड़ा है, और तो हमने सोचा कि वहाँ पे जाके हमें किसी ने सजेस्ट किया था कि वहाँ पे बहुत अच्छे डॉक्टर हैं तो आप वहाँ पे जाके एक बार दिखाइए। तो हम लोग वहाँ पे गए, फिर हमने वहाँ पे हमें डॉक्टर का अपॉइंटमेंट मिला, फिर बहुत मतलब काफ़ी हमारे करीबी हैं उन्होंने हमें वहाँ पे डॉक्टर से अपॉइंटमेंट दिलवा कर फिर डॉक्टर ने हमें मतलब मेरी सारी रिपोर्ट वगैरह देखी, जितनी भी रिपोर्ट्स थी पुरानी सब देख के उन्होंने कुछ टेस्ट हमें बोले थे, बायोप्सी बोली थी उन्होंने कि बायोप्सी करनी पड़ेगी, बायोप्सी से पता चल पाएगा कि आपके जो बॉडी की जो सेल्स हैं वो पॉजिटिव में हैं या नेगेटिव में है। क्योंकि जब मैंने फर्स्ट बायोप्सी कराई थी तो मेरे जो बायोप्सी में रिपोर्ट आई थी उसमें पॉजिटिव में रिपोर्ट आई थी, तो उन्होंने कहा था कि अगर ये पॉजिटिव में आएगी तो फिर हम आपका ट्रीटमेंट कुछ और होगा और अगर नेगेटिव में आएगी तो उसका ट्रीटमेंट कुछ और होगा। तो फिर हमने बायोप्सी करवाई वहाँ पर, तो बायोप्सी की रिपोर्ट कुछ टाइम बाद आई। तो बायोप्सी में मेरा क्या हुआ कि पहले मेरी जो फर्स्ट हमने बायोप्सी कराई थी 2020 में उसमें मेरा जो रिपोर्ट थी वो पॉजिटिव में आई थी। तो पॉजिटिव में ऐसा होता है कि जब पॉजिटिव में ऐसा होता है कि जो दवाइयाँ होती हैं वो काम करती हैं, और इस बार मेरी रिपोर्ट जो है वो ट्रिपल नेगेटिव में आई है, जिसमें क्या होता है बोलते हैं कि दवाइयाँ काम नहीं करती हैं, जिसमें बोलते हैं कि मतलब दवाइयाँ जो हैं वो काम नहीं करती हैं और कीमोथेरेपी ही इसका ट्रीटमेंट है। तो फिर हम लोग इस बात से और मतलब मैं थोड़ा सा हो गई थी कि मतलब यानी कि अब तो मतलब कीमोथेरेपी ही इसका ट्रीटमेंट है और कोई ट्रीटमेंट नहीं है। तो फिर ट्रिपल नेगेटिव जो होता है वो थोड़ा सा मतलब बहुत डेंजर होता है, तो मेरा जो है मुझे ये समझ में नहीं आया कि मतलब ये पॉजिटिव से नेगेटिव कैसे हो गया। तो मैंने डॉक्टर से पूछने की कोशिश करी तो डॉक्टर्स ने मुझे बताया कि हाँ ऐसा हो सकता है कि पहले पॉजिटिव हो और फिर वो नेगेटिव
हो जाए, ऐसा होता है। तो मेरे केस में भी ऐसा ही हुआ कि मतलब पहले मेरा पॉजिटिव में आए थे जो बायोप्सी थी, तो इस बार जो मेरी रिपोर्ट जो है वो बायोप्सी जो है वो ट्रिपल नेगेटिव में आई है। तो फिर मतलब इसका ट्रीटमेंट जो है वो कीमो ही है, तो हम लोगों ने मतलब कीमो स्टार्ट कर दिए थे और मेरे अभी तक लगभग 9 कीमो हो चुके हैं। तो हम लोग कीमो करा रहे हैं और साथ के साथ मैं आयुर्वेद की भी दवाइयाँ खा रही हूँ, तो देखते हैं क्या होता है। वैसे मेरी आयुर्वेद की दवाई भी कुछ टाइम से चल रही है, तो सब ने मुझे ये बोला कि आप एलोपैथिक ट्रीटमेंट तो आप कराते हो, साथ ही साथ आप जो आयुर्वेद है उसमें योग प्राणायाम और ये जितने भी आयुर्वेदिक मतलब आयुर्वेदिक दवाइयाँ जो होती हैं उनको भी कंटिन्यू रखो, और आयुर्वेद में जो योग प्राणायाम वगैरह होते हैं ये सब भी आप फॉलो करो। तो मैंने धीरे धीरे अभी शुरुआत की है, कोशिश कर रही हूँ ये भी करूँ, और अपनी पॉजिटिविटी को साथ लेकर अभी मैं ट्रीटमेंट करवा रही हूँ। और बस आप सबका प्यार है, आशीर्वाद है कि मैं आज इतनी 3 बार मतलब कीमो 3 बार की बीमारी को झेल कर भी मैं अभी भी आप लोगों के सामने हूँ, और अभी मैं पहले से काफ़ी बेहतर महसूस करती हूँ। और बाकी ये कि अंदर से बीमारी तो है ही, उसका तो हम कुछ नहीं कह सकते, कुछ नहीं कर सकते, लेकिन ये कि अपनी पॉजिटिविटी जो है वो हमेशा रखनी चाहिए। बाकी जो होना है वो तो होना ही है, उस चीज़ को कोई नहीं टाल सकता है। और बस अपनी पॉजिटिविटी के साथ अभी भी मैं अपना ट्रीटमेंट करवा रही हूँ, और बाकी आप सबका आशीर्वाद और प्यार ऐसे ही बना रहे हमेशा, और बाकी जो भी अपडेट्स होती रहेंगी मैं आपको बताती रहूँगी। और ये छोटा सा वीडियो जो है वो मैंने आप सबके लिए बनाया है, क्योंकि मन में था कि मैं आप लोगों से भी शेयर करूँ, क्योंकि काफ़ी लोग मुझसे क्वेश्चन करते हैं कि मेरी तबीयत कैसी है, अभी मैं क्या करा रही हूँ, क्या चल रहा है लाइफ में। तो मैं इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया ताकि ये वीडियो सब तक पहुँच जाए और सबको मेरे बारे में जानकारी मिल जाए कि अभी हाल फिलहाल में क्या चल रहा है। और बाकी आप सब तो मुझे प्यार देते ही हैं और हमेशा देते रहेंगे, और यही उम्मीद है मुझे कि ऐसे ही प्यार बना रहेगा, और बहुत जल्दी मैं स्वस्थ होकर आप सबके सामने आऊँगी और इसी के साथ जल्दी नए अपडेट्स दूंगी। तब तक के लिए आप सबको जय भारत, जय उत्तराखंड और जय हिंद।